आकाश से गिरने वाली बिजली के पास साउंड कहां से आता है? ये तो फिर भी आसान है, लेकिन मजे की बात ये है, आकाश से गिरने वाली बिजली, जेट का सोनिक बूम, हंटर, गुब्बारे का फटना और स्टैटिक चार्ज, इन सब का प्रेशर फ्रीक्वेंसी ग्राफ बिल्कुल सेम है। ये थोड़ा अजीब है। जब आकाश से बिजली गिरती है तो वो अपने आसपास की हवा को बहुत गर्म करते हुए जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड करती है और ये एक्सपेंशन एक शॉक वेव को जन्म देता है जो हमें साउंड के रूप में सुनाई देती है। अक्सर आपने पढ़ा होगा साउंड रोशनी से धीरे ट्रेवल करता है, तो क्या हम बोल सकते हैं हवा में होने वाला एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में लगने वाला समय ही उसके धीरे चलने का कारण है? या आपके पास अपनी कोई और थ्योरी है?